वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। बच्चों हमारे एक्सरसाइज 4.5 जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। बोलता इस फिगर से आपने आइडेंटिफाई करना है जो ये पॉइंट्स पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है? बोलता द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप देखिए इस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ हमारे पास क्या है? इस सर्कल का सेंटर है। अब मैं निकालें 3 रेडियाई। आप देखिए रेडियाई क्या क्या है यहाँ पे, ध्यान देंगे रेडियाई के लिए, जिसे रेडियस कह सकते हैं, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये 3 रेडियाई ऑफ दिस सर्कल है। उसके बाद क्या पूछता है? अ डायामीटर, आपको सामने नज़र आ रहा है ए सी इज़ द डायामीटर ऑफ द सर्कल। बात करता है अ कोड। अब मैं देखिए कोड क्या चीज़ है? ई डी, जो शेडेड पोर्शन के आप पास दिख रहे हो ये क्या है? कोड ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अब बोलता 2 इंटीरियर पॉइंट, जो इसके इंटीरियर पॉइंट है आप देखिए क्या है? क्यू सॉरी पी एंड ओ, ये कौन सा पॉइंट है? ये इंटीरियर पॉइंट है किसके? इस सर्कल के, ठीक है। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, आप एक्सटीरियर देखेंगे तो क्यू पॉइंट आपको एक्सटीरियर नज़र आ रहा है कि ये क्यू पॉइंट क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अ सेक्टर। सेक्टर के लिए हम देखते हैं कि सेक्टर क्या चीज़ है यहाँ पे, तो मैंने देखिए आंसर में लिखा है ओ बी ए इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। मैं यहाँ पे रेड पेन से ये थोड़ा सा मार्क करता हूँ, ये पोर्शन क्या है? ये इसका सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद पूछा है कि सेगमेंट क्या है यहाँ पे, तो भाई हमारे पास सेगमेंट है ई डी एस ई, ये क्या है? इसकी सेगमेंट है। आप इसको एक बार देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। आपने क्या समझना है कि भाई ये सेंटर है, ये पार्ट रेडियाई होता है जिसे रेडियस कहते हैं, ये पॉइंट है इसका डायामीटर होता है, ठीक है। ई डी पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शेडी पोर्शन जो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओ पॉइंट एंड पी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, क्यू पॉइंट आउटसाइडर पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास जो ई डी है यहाँ पे ये कोड रिप्रेजेंट कर रही है, यही सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इनकेस प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।